फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 3 विषय अंग्रेजी में आज हम अल्फाबेट का रीडिंग करेंगे, राइटिंग भी करेंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे, ठीक है। अगली कक्षा 1 और कक्षा 2 में आपने अल्फाबेट सिखाई है, ठीक है, लेकिन आज हम आपको उसके स्पेलिंग, उच्चारण और अर्थ ये भी बताएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ए, इसका उच्चारण आपको करना है। ए, ए से आपने स्पेलिंग पढ़ा है एप्पल, बराबर, ए डबल बी एल ई, एप्पल। लेकिन ए से क्या सिर्फ एप्पल होता है? नहीं, सिर्फ एप्पल नहीं होता, इससे बहुत सारे स्पेलिंग बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर एप्पल यानी कि सेब, ए डबल पी एल ई, एप्पल, एप्पल यानी सेब। उसी तरीके से यहाँ पर है एरो, ए डबल आर ओ डब्ल्यू एरो, ए डबल आर ओ डब्ल्यू एरो। एरो मतलब ये तीर का निशान जो है उसको हम बोलते हैं एरो। फिर देखिए ए एस टी आर ओ एन ए यू टी, एस्ट्रोनट। फिर से पढ़ेंगे ए एस टी R O N A U T, एस्ट्रोनट, यानी कि ये क्या है? अंतरिक्ष यात्री। क्या है? अंतरिक्ष यात्री या खगोल शास्त्री भी बोल सकते हैं। चलिए, उसके बाद है एंकर, A N C H O R, एंकर, A N C H O R, एंकर। एंकर यानी कि लंगर, बराबर, इसके अंदर हम रस्सी बांध सकते हैं और इसको कहीं पे भी लंगर लगा सकते हैं इससे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम अंग्रेजी में? एंकर। चलो, उसके बाद है एलिगेटर, बराबर, ए डबल एल आई जी ए टी ओ आर, फिर से ए डबल एल आई जी ए टी ओ आर, एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ, बराबर, या इसको घड़ियाल भी बोल सकते हैं। चलिए, उसके बाद आंट, ए एन टी आंट, आंट यानी कि चींटी, ए एन टी आंट, आंट यानी चींटी। तो बच्चों, आपने देखा कि ए से कितने सारे स्पेलिंग हमने आज पढ़े, एप्पल, एरो, एस्ट्रोनट, एंकर, एलिगेटर और आंट, ठीक है। चलो, उसी तरीके से हम बी, बी से होता है ब, बी से क्या होता है? ब, इसको पढ़ा जाता है बी। चलिए, तो बी से आपने बी फॉर बॉल पढ़ा है, हमेशा से आप बी फॉर बॉल पढ़ते आए, बी ए डबल एल बॉल, बॉल यानी कि गेम, ठीक है। तो आज हम आगे दूसरी सेल स्पेलिंग भी पढ़ेंगे, बी फॉर बेड, बी ई डी बेड, बेड यानी कि ये पलंग या चारपाई आप बोल सकते हो, बेड। चलिए, उसके बाद है बी, बी यानी कि मक्खी, बी डबल ई बी, बी से होता है मक्खी। आगे बी ए एन ए एन ए, बनाना, बी ए एन ए एन ए बनाना, बनाना यानी कि केले। फिर बी फॉर क्या होता है? बलून, बी ए डबल एल डबल ओ एन, बलून, बी ए डबल एल डबल ओ एन, बलून यानी कि गुब्बारा, ठीक है। बलून मतलब क्या होता है? गुब्बारा। चलिए, उसके बाद है बोट, बी ओ ए टी बोट, बोट यानी क्या होगा? नाव या फिर नौका। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पर बी फॉर बॉल, बी फॉर बेड, बी फॉर बी, बी फॉर बनाना, बी फॉर बलून और बी फॉर बोट, ये स्पेलिंग हमने पढ़े, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सी, सी फोर होता है कैट, बराबर, अब तक आपने सी फोर कैट, सी फोर कैट, बराबर, ये पढ़ा है, लेकिन आज हम उसके आगे स्पेलिंग पढ़ते हैं। तो सी ए टी कैट, कैट यानी बिल्ली मौसी, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कार, सी ए आर कार, कार यानी मोटर। फिर देखिए सी ए डबल आर ओ टी कैरेट, सी ए डबल आर ओ टी कैरेट, कैरेट यानी कि गाजर,
गाजर का हलवा तो सबको पसंद है। ओके चलिए आगे, सी ओ डब्ल्यू काव, काव यानी गाय। इसके बाद है कैमल, CAMEL, कैमल यानी कि ऊंट। ऊंट कहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलता है, हमें हमारे आसपास भी देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर ऊंट जो होता है जो रण प्रदेश होते हैं बराबर, जहाँ पे रेती वाली जगह होती है वहां पर उसका वाहन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है कैमल, CAMEL, कैमल यानी कि ऊंट। फिर CAKE, केक यानी कि क्या, आप जो बर्थडे पार्टी में केक जरूर काटते है ना, तो उसका स्पेलिंग है CAKE, केक। तो ये हो गए हमारे C4 cat, C4 carrot, C4 cow, C4 camel, C4 cake एंड C4 car। आगे D4 dog, डॉग यानी कुत्ता। चलिए D4 होता है ड्रेस, DRESS ड्रेस, DRESS ड्रेस। फिर है DONKEY, डंकी, DONKEY, डोंकी, डोंकी यानी कि गधा, DONKEY, डोंकी यानी कि गधा। चलिए फिर है D4 door, DOOR, डोर यानी कि दरवाजा। फिर होता है DUCK, डक, DUCK, डक, डक मतलब कि बतख। चलिए उसके बाद है डॉल्फिन, DOLPHIN, डॉल्फिन, डॉल्फिन एक मछली का नाम है बराबर, एक डॉल्फिन मछली की एक जाति है, ठीक है, तो D4 होगा डॉल्फिन। तो हमने आज पढ़ा D4 dog, D4 dress, D4 donkey, D4 doll, D4 duck एंड D4 dolphin। चलिए आगे चलते हैं, E4 empty, empty मतलब खाली बराबर, जिसको जिस ग्लास में पानी भरा होता है हम उसको कहते हैं फुल बराबर, और लेकिन अगर उसमें पानी नहीं है खाली है तो हम बोलेंगे empty बराबर। चलिए तो EMPTY, empty यानी खाली, EMPTY, empty। E4 egg, EGG, egg यानी अंडा। उसके बाद देखिए E4 elephant, एलिफेंट भी आपने पढ़ा है, ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंट यानी हाथी। उसके बाद है E4 eggplant, EGGPLANT, एग एंड प्लांट, आपको दो हिस्सों में करके पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, एग प्लांट, EGGPLANT, एग प्लांट यानी कि ये जो है क्या है, बैंगन, लेकिन ये जो बैंगन है वो कौन सा है, लंबा वाला बैंगन है, इसको हम बोलेंगे एग प्लांट। उसके बाद है ELK, E4 egg, यानी कि क्या होता है, बारहसिंगा, जो देखने में तो हिरन जैसा दिखता है लेकिन उसकी जो सींग होती हैं बराबर, वो कैसे होती हैं, पेड़ की टहनियों की तरह, इसलिए ये जो है बारहसिंगा बोला जाता है और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ईग, ठीक है। चलिए आगे है E4 envelope, E4 envelope, ENVELOPE, एनवेलॉप, जिसको हम बोलेंगे लिफाफा बराबर। तो E4 हमने सीखा है एंटी, E4 egg, E4 elephant, E4 eggplant, E4 egg एंड E4 envelope। चलो F4 होता है फ्रॉग यानी मेढक, मेढक मस्ती खोर होता है, जहाँ जैसे कि बारिश होती है हमें हमारे आसपास मेढक दिखाई देने लगते हैं, तो F4 होता है फ्रॉग, फ्रॉग यानी मेढक। F4 fire, फायर यानी आग, FIRE, फायर, फायर यानी होता है आग। F fan, FAN, फैन, FAN, फैन, फैन यानी पंखा। चलिए F4 होता है फ्लैग, FLAG, फ्लैग, फ्लैग यानी कि ध्वज। उसके बाद है फ्लावर, FLO,
WER फ्लावर, फ्लावर यानी फूल. F4 फिश, FISH फिश. तो F से होता है F4 फ्रॉग, F4 फायर, F4 फैन, F4 फ्लैग, F4 फ्लावर एंड F4 फिश. ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे चलते हैं. चलिए यहाँ पर हो गया G4. यहाँ पर हम सीखेंगे G4. G4 क्या क्या होता है देखिए, यहाँ पर है G4 ग्रास. देखिए बारिश का मौसम आने वाला है, तो जैसे थोड़ी बहुत बारिश होगी तो हमें आसपास हरियाली यानी कि घास 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 दिखाई देगी, तो ये होता है ग्रास. घास को क्या बोला जाता है, ग्रास यानी कि G4 ग्रास. G4 गॉट, GOAT गॉट, गॉट यानी बकरी. फिर है G4 गुज, गुज यानी क्या होता है, यहाँ पर आप बतख बोल सकते हो इसको, गुज यानी कि बतख. GOOSE गुज. फिर है G4 गोरिल्ला, GORILLA गोरिल्ला, पर G4 होता है गोरिल्ला. चलिए उसके बाद है G4 ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स. उसके बाद है ग्रास शॉपर, बराबर ग्रास शॉपर. यहाँ पे क्या है, GRASSHOPPER ग्रास शॉपर यानी कि टिड्डा. ये जो है वो एक तीर्ड होता है, एक जंतु है जो खेत में ज्यादातर हमें देखने को मिलता है, इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रास शॉपर. या तो हमने G4 ग्रास, G4 गॉट, G4 गूस, G4 गोरिल्ला, G4 ग्रेप्स एंड G4 ग्रास ऑफर स्पेलिंग देखे. चलिए है H, H फॉर हाउस, HOUSE हाउस यानी कि घर, HOUSE हाउस, हाउस यानी घर. H फॉर हार्ट, हार्ट यानी दिल, HEART हार्ट, बराबर HEART हार्ट यानी कि दिल. उसके बाद है H, H फॉर हिप्पो, हिप्पो, H फॉर हिप्पो, HIPPO हिप्पो यानी हिप्पोपोटेमस इसको बोलेंगे. उसके बाद है H, H फॉर हॉर्स, HORSE हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा. उसके बाद है हैमर, HAMMER हैमर, हैमर यानी हथौड़ा. उसके बाद है हैट, HAT हैट, हैट यानी टोपा, बराबर इसको हम हैट बोलेंगे, जो बड़ी सी टोपी होती है ना इसको हम हैट बोलते हैं. चलिए अब हमने यहाँ पर देखा H फॉर हाउस यानी घर, H फॉर हार्ट यानी दिल, H फॉर हिप्पो यानी कि ये जो है जलीय घोड़ा है, H फॉर हॉर्स यानी कि घोड़ा, H फॉर हैमर हथौड़ा, H फॉर हैट यानी कि टोपी. ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक है, आगे के जो अल्फाबेट हैं वो हम दूसरे वीडियो में सीखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.